दोस्तों, अगर आपका ई श्रम कार्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो गवर्नमेंट की ओर से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट को जारी किया गया है, जहां पर हम अपने ई श्रम कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट के कई तरह के फैसिलिटी को ले सकते हैं। तो किस तरह से हम गवर्नमेंट के फैसिलिटी को ले सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को आगे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, आज किस वीडियो के माध्यम से मैं टोटल प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ से गूगल के ब्राउजर को ओपन कर लिया दोस्तों, अब हम लोगों को इसके बाद सर्च बार में चले जाना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च बार में चल गया दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है ई श्रम। तो जैसे हम लोग ई श्रम यहाँ पर टाइप कर लिया दोस्तों, अब हम लोग सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ई श्रम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, यानी सबसे ऊपर जो हम लोगों का लिंक है उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होना शुरू हो जाती है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है दोस्तों, यानी हम लोग गवर्नमेंट के पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलती है। हम लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट। तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है, यानी अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाती है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज भी ओपन हो चुका है दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोगों को जहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही ऑलरेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो फिर से हमारे सामने यहाँ पर कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। अब हम लोगों को जहाँ पर अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाती है। अब हम लोगों को अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है दोस्तों, कोई भी मोबाइल नंबर आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना होता है। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हमारे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को जहाँ पर इंटर ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस बॉक्स में हम लोगों को टाइप कर देना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को टाइप करना होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करेंगे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपना डिवाइस को सेटिंग करने के लिए तीन प्रकार से ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जहाँ पर हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं, IRIS के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम OTP के माध्यम से कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर डिवाइस नहीं दोस्तों जो हम फिंगर लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर OTP वाले ऑप्शन पर हम लोगों को टिकआउट कर लेना होता है। और जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर हम लोग टिकआउट कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही वहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिया तो फिर से हमारे आधार कार्ड नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP चला जाता है। उस OTP को जहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर हम लोगों को टाइप कर देना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही वहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट EKYC इन्फॉर्मेशन। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी हम लोगों को इस बॉक्स में टिकआउट करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। अगर हम लोग इस तरह करते हैं दोस्तों, तो हमारा ई श्रम कार्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इस बॉक्स में टिकआउट नहीं करना है और हम लोगों को इस वाले
ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही वहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को जहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पर श्रम कार्ड है, ये श्रम कार्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए इस तरह से मिल जाती है। और इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जहाँ पर हम अपने जॉब को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का जॉब खोजते हैं दोस्तों, तो जॉब को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर स्किलिंग को यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग कोई काम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग को कई तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट की ओर से कई तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप अपना यहाँ पर श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जहाँ पर हम लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलती दोस्तों, यानी लिखा हुआ है डाउनलोड UN कार्ड, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर श्रम कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिले, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।